हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे पहले से। आज स्टूडेंट्स हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बताएंगी रेस्पिरेटरी डिजीज से मुतल। आज हम इस चैप्टर का लास्ट वर्क करेंगे, जिसमें कुछ डेफिनेशन हैं आप लोगों को बतानी है, कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसके लिए हमें बुक को देखना होगा। आइए बुक देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो टर्मिनोलॉजीज करनी है उसके लिए आप क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे पहले आपको डाइजेशन की जो है वो हेडिंग डालनी है, मतलब हेडिंग डालते जाएंगे टर्मिनोलॉजीज की और उसके बारे में लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप डाइजेशन की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे द ब्रेकिंग डाउन। यहाँ से लिखेंगे द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ से दाल से लेकर डाइजेशन तक। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम। हेडिंग आएगी सेकंड डाइजेस्टिव एंजाइम द वॉल्स ऑफ द गट से लेकर डाइजेस्टिव एंजाइम तक। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है। आई थिंक ये जो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ ये भी सही है, और आप लोग के सेक्शन में अलग अलग इंडिविजुअली जो चीज़ें जो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखवाई गई है वो भी ठीक है, तो दोनों लिख सकते हैं आप। तो हेडिंग आएगी थर्ड हेडिंग रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस से लेकर जहाँ पर ये एंड हो रही है रिलीज एनर्जी, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन है फीकस, ये ऊपर देखिए फीकस है। फीकस की हेडिंग डालिएगा, ये जहाँ पर मेरा पेन का कॉर्नर है। फीकस, फीकस आर द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम से लेकर थ्रो एनस, यहाँ तक फीकस से लेके एनस हेडिंग आएगी फीकस की, ठीक है। इसके बाद हेडिंग आएगी डायफ्राम की। डायफ्राम यहाँ है, इसकी डेफिनेशन आप करेंगे जब डायफ्राम की हेडिंग डालेंगे द डायफ्राम से लेकर ब्रीदिंग मूवमेंट तक, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन हैं जो आपको डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स में लिखनी है, ये चार पांच जो डेफिनेशन करवाई है। इसके अलावा ये एक चार्ट बना हुआ है हाउ एयर चेंज इन लंग्स, हाउ एयर चेंज इन लंग्स, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखिएगा। और ये पूरी जो टेबल बनी हुई है इसमें दिखाया जा रहा है कि जब लंग्स में एयर एंटर होती है तो वो किस तरीके से चेंज होती है, उस एयर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और वो लंग्स के अंदर जाकर कैसे चेंज हो जाती है। तो ये टेबल बनी हुई है पूरी, ये टेबल आपको ऐसी ही बना लेनी है। क्वेश्चन क्या है? हाउ एयर चेंज इन द लंग्स, और ये टेबल आप तीनों कॉलम्स वाली बना लेंगे। नेक्स्ट एक और भी क्वेश्चन है, वो तीन क्वेश्चन हो गए, वहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए, एक डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स और एक मैंने टेबल वाला क्वेश्चन करवाया। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विलाय। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विलाय। हेडिंग आएगी स्ट्रक्चर ऑफ विलाय की, उसके बाद आपको कहाँ से लिखना है? लास्ट पैरा की फोर्थ लाइन द स्मॉल से लेकर लीवर तक, ठीक है। विलाय क्या है? विलस किसे कहते हैं? ये आप लोग फिजिकल क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसका वर्क रहता था तो मैं आपको करवा दे रही हूँ। द स्मॉल से लेकर लीवर तक। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विलाय। हेडिंग आएगी स्ट्रक्चर ऑफ विलाय की, और उसके बाद द स्मॉल से लेकर लीवर तक लिख लेना। और ये डायग्राम भी, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो ये विलस का स्ट्रक्चर बना हुआ विलाय का, ये भी आप डायग्राम बनाएंगे कॉपी पे भी और अपनी ड्राइंग बुक में भी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।